एवरीबॉडी, वेलकम टू कार्स ऑन बड़ी, सबका स्वागत है। और आज मेरे साथ एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा जिसका नाम है कुकू मार्स। कुकू ऑटोमोटिव जयपुर राजस्थान में स्थित एक इलेक्ट्रिक ऑटो मैन्युफैक्चरर है और इस गाड़ी की डीलरशिप वड़गांव मावल पुणे में ओपन हुई है। अगर आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं, इसके बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप इसके डीलरशिप आदित्य एंटरप्राइजेस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसके डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। तो चलिए वॉक अराउंड करते हैं और इस गाड़ी की खासियत क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिखने में ये इलेक्ट्रिक ऑटो जैसे दिखेगी नहीं, एक कन्वेंशनल रिक्शा जैसी दिखेगी। आपको थ्री पीस विंडशील्ड आती है और यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रिक वाइपर आपको मिल जाएगा। ड्यूअल टोन कलर सेटअप में ये आपको गाड़ी मिल जाएगी। कुकू की बड़ी ब्रांडिंग है वहाँ पे। हेडलैम्प जो है वो हैलोजन मिल जाएगी आपको ड्यूअल हेडलैम्प से। पार्किंग लाइट और टर्न इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं। मड़गार्ड जो है फिक्स्ड मड़गार्ड आपको मिल जाती है और 12 इंच के व्हील्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सस्पेंशन की बात करें तो इसमें कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन आपको सिंगल साइड में आ जाएगा और ब्रेक्स जो है ड्रम ब्रेक्स आपको मिल जाती है, जो सफिशेंट है सिटी राइडिंग के हिसाब से। रिक्शा ऑन एन एवरेज दिखने में अच्छी है। साइड से आप देखते हैं थोड़ी लंबी है कन्वेंशनल रिक्शा के हिसाब से। आपको एक रूफ कैरियर मिल जाता है और अच्छी खासी जो बॉडी है बिल्टअप बॉडी आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं ड्राइवर कैबिन में क्या क्या फीचर्स है। तो आपको दो बड़े ORVM रियर व्यू मिरर मिल जाते हैं। डैशबोर्ड का डिज़ाइन जो है बहुत ही सिंपल प्लेन है, फंक्शनल है। इसमें आप देख सकते हैं कुछ लाइट के कंट्रोल्स इस तरफ है राइट साइड में। स्पीडोमीटर बहुत ही क्लासी है देखने में। ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और जैसे आप की ऑन करते हो तो आपको स्पीड, बैटरी चार्ज और डिस्टेंस कवर्ड ओडोमीटर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ब्लू कलर की लाइटिंग है और इस तरह से दिखती है इसकी की। तो की हम लगा लेते हैं वहाँ पे। इलेक्ट्रिक मोटर वाइपर के लिए आप देख सकते हो और उसी पे उसका कंट्रोल स्विच है। स्पीकर्स है डैशबोर्ड के ऊपर। फ्लोर पे अब देखेंगे तो इसका रियर ब्रेक पेडल है। फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे है नीचे और यहाँ पे कुछ स्टोरेज पॉकेट्स भी दे रखी है। इस गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम भी आता है जो ऑक्स USB SD कार्ड के ज़रिए आप मनचाहे म्यूज़िक सुन सकते हैं और वो गाड़ी के साथ इनबिल्ट आ जाएगी आपको। इसके जो स्पीकर्स मैंने आपको बता दिया कि डैशबोर्ड पे इसके दो स्पीकर्स माउंटेड हैं। इस गाड़ी की खास बात है इसमें स्पेशल गियर करके आता है। अगर आपकी गाड़ी जो है लोडेड है और आपको चढ़ान पे गाड़ी चढ़ाना हो तो इस स्पेशल गियर को इस तरह से एंगेज कर सकते हैं और किसी भी चढ़ान में आप गाड़ी को इजीली चला सकते हैं। तो बहुत ही फंक्शनल एक चीज़ उस तरफ है। और इस तरफ आपको पार्किंग ब्रेक भी मिल जाएगा, ठीक जैसे आप कार में देखते हो मैकेनिकल पार्किंग ब्रेक पे। अगर आप उसके ऊपर खींचते तो ब्रेक एंगेज हो जाएगा। म्यूजिक सिस्टम डिटेल में आप देख सकते हैं यहाँ पे। SD कार्ड और USB के ज़रिए आप म्यूज़िक सुन सकते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर की प्रोविज़न भी यहाँ पे दे रखी है। लाइट के कंट्रोल्स तो हमने देख ली हैंडल बार के ऊपर और ठीक एक्सेलेरेटर के नीचे आपको एक स्विच दिखाई देगी जहाँ पे F और R लिखा हुआ है। F माने फॉरवर्ड और R माने रिवर्स। तो बहुत ही आसान है इस गाड़ी को चलाना सिटी के अंदर, कोई भी इसे चला सकता है इजीली। बहुत ही फंक्शनल डिज़ाइन में कहूँगा। अगर हम देखेंगे स्टोरेज स्पेसेस की तो ड्राइवर सीट के नीचे एक स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप बैटरी के चार्जर, जैक और अन्य चीज़ें, छोटी चीज़ें आप रख सकते हैं सेफली। इसमें एक लॉकिंग मैकेनिज्म भी आता है तो आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। सीट्स कंफर्टेबल है और ड्राइवर सीट को जो है बैकरेस्ट भी मिल जाता है। सीट्स का जो कलर है ड्यूअल टोन में, जैसे वाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं, तो ऐसे ड्यूअल टोन कलर में आपको सीट्स मिल जाती है। अच्छी खासी कुशनिंग है तो कंफर्टेबल राइड मिल जाती है। पैसेंजर कैबिन में हम जाते हैं, उसके पहले इसके बहुत ही स्टाइलिश व्हील्स भी देख लेते हैं। व्हील कैप आता है, 12 इंच की व्हील्स पीछे भी आ जाती है। कुकू की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। स्टेप हाइट थोड़ी कम है तो इसमें गाड़ी में चढ़ना उतरना बहुत ही आसान बन जाता है। ग्रैब हैंडल्स आपको मिल जाते हैं, 4 पैसेंजर्स की बैठने की सुविधा है और इंडिविजुअली ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि सीट्स कंफर्टेबल है, एक सिटी के यात्रा के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है सीट्स।
और मल्टी डिज़ाइन या मल्टी कलर के साथ ये सीट मिल जाएगा आपको। सीट के नीचे बैटरी पैक है, तो आपको इस तरह से लॉक हटाना है और बैटरी पैक देख सकते हैं। ये जो बैटरी है 1000 वाट मोटर को पावर देती है और इस बैटरी को चार्ज करना 6 घंटे तो लगेंगे। फुल्ली चार्ज में इस गाड़ी जो है 100 किलोमीटर का रेंज कवर कर सकते हैं। अगर आपको अधिकतम इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डीलरशिप में ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, आप टेस्ट ड्राइव भी वहाँ पे ले सकते हैं। तो बैठते हैं हम पैसेंजर कैबिन के अंदर और कुछ इस तरह से। तो सीट जैसे मैंने कहा बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही एयरी व्यू है, ऑटो रिक्शा होने के कारण दरवाजे वगैरह तो है नहीं, बट ये जो कैनोपी है, जो ऊपर की कैनोपी है, बहुत ही अच्छी तरह से बना के रखी है। तो आपको आफ्टर मार्केट फिर से कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इस तरह से दिखेगी पैसेंजर कैबिन से ड्राइवर का डैशबोर्ड। क्रोम एलिमेंट्स दिखेगा जो गाड़ी को थोड़ा एक प्रीमियम लुक देता है। बाकी बहुत ही फंक्शनल डिज़ाइन है, स्पेस भी अच्छी खासी आपको मिल जाएगी। तो ये गाड़ी में आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, जो है आप वैसी ही गाड़ी खरीद के आप चला सकते हो। कुछ पीछे से इस तरह से दिखती है ऑटो रिक्शा। पीछे इसमें जो है सस्पेंशन लीफ स्प्रिंग टाइप आता है और डिफरेंशियल आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर का भी आपको वहाँ पे लेआउट दिख जाएगा। तो कुछ इस तरह से गाड़ी के नीचे के भाग में, और पीछे एक ग्रिल टाइप विंडो आपको मिल जाता है कैनोपी के साथ, तो आप रोल डाउन करके उसे बंद कर सकते हैं। एलईडी टेल लैंप, रिवर्स लैंप और रिवर्स लाइट्स आपको मिल जाते हैं, और उसमें क्रोम की एक छोटी सी ग्रिल भी है जो गाड़ी को स्टाइलिश भी बनाती है और लाइट्स को प्रोटेक्ट भी करेगी। और बड़ा सा बम्पर है जहाँ पे कोकू ई वर्ल्ड की ब्रांडिंग भी की गई है। इसमें एक छोटा सा बॉक्स है, एक लॉकेबल बॉक्स, जिसके अंदर स्पेयर व्हील की प्रोविज़न दी गई है। बहुत ही स्मार्टली डिज़ाइंड है, क्योंकि इसको आप छोटी छोटी चीज़ें भी स्टोर कर सकते हैं, बट नॉर्मली ये स्पेयर व्हील के लिए ही बनाई गई है, तो स्पेयर व्हील को आप रख सकते हैं सेफली और सिक्योरली, बस इसे लॉक करके आप रख सकते हैं। तो गाड़ी का डिज़ाइन जैसे मैंने कहा बहुत ही फंक्शनल है। इलेक्ट्रिक रिक्शा, साधारण इलेक्ट्रिक रिक्शा जो हम देखते हैं उसकी जैसे तो है नहीं, फंक्शनल डिज़ाइन है। गाड़ी पूरी तरह से बिल्ट अप आपको मिल जाएगी और फंक्शनल है, ओवरऑल स्पेस भी अच्छी खासी है। अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूँ उसके तरफ हम आते हैं, बट कलर की बात करें तो इसमें दो कलर्स सॉरी मल्टी कलर आपको मिलेगी, जैसे ग्रीन ब्लैक कॉम्बिनेशन है, वहाँ पे येलो ब्लैक कॉम्बिनेशन में भी और मरून वाइट कॉम्बिनेशन में आपको मिल जाती है। और डिटेल्स के लिए आप डीलरशिप में कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी प्राइस की बात करें तो 2,03,000 के आसपास इसकी प्राइस है, और जैसे मैंने कहा कि अगर आपको फाइनेंस पे यह गाड़ी लेना है वो भी ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। तो डिटेल्स के लिए आप इसके डीलरशिप जो है आदित्य एंटरप्राइजेस उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कार जोन बड़ी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम टीम कार्स ओन बड़ी।